ब्रेक के बाद केकेडी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों पर। खबर लखनऊ से है, जहां रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में लगी एसी में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ। वही मौके पर फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी भी पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद अस्पताल प्रशासन ने आग पर काबू पाया। सुशांत गोल सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित अलकनंदा अपार्टमेंट के आरडब्ल्यू अध्यक्ष द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई कि अपार्टमेंट के ही एक फ्लैट में एक किराएदार के यहाँ संदिग्ध परिस्थितियों में कुछ महिला एवं पुरुष मौजूद हैं। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस एवं महिला पुलिस द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई तो फ्लैट में किराएदार और उसका मित्र दोनों वहाँ मौजूद पाए गए तथा तीन युवतियाँ जो थाईलैंड की नागरिक हैं वो वहाँ पर मिली। पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण की जाँच की जा रही है। जो इन महिलाओं के पास पासपोर्ट और वीज़ा उपलब्ध मिला उसकी जांच की जा रही है तथा LIU द्वारा भी मौके पर पहुंचकर इन सभी प्रपत्रों को देखा जा रहा है। इस पूरे प्रकरण के जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। तो हमारे एम्प्लॉइज ने कंट्रोल कर लिया था, हम लोगों ने तुरंत MCV डाउन करवा के और तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर से उसको आग पे काबू पा लिया था। राजधानी लखनऊ में असलहे का प्रदर्शन लगातार जारी है, जहां एक बार फिर सुर्खियों में राजन पंडित ने के फायरिंग का वीडियो वायरल हो गया। आपको बता दें कि फायरिंग करने वाला युवक इंदिरा गांधी नगर का रहने वाला बताया जा रहा है, जहां फायरिंग करने वाले युवक का नाम राजन पंडित बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इससे पहले भी काफी लंबे समय के लिए राजन पंडित जेल जा चुका है। मथुरा से है, जहां मगोरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम सोन में कपास के खेत में अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ, जिसके बाद ग्राम प्रधान की सूचना पर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी और इसके शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राजन सिंह नाम है, नाम खप्परपुर है मेरा जी, और राखी नाम की लड़की है। और उसने मतलब जो इसको गोविंदा को बुलाया, गोविंदा टाटा रहने वाला है, गोविंदा मटुआ नाला का रहने वाला है, मेरा साले का लड़का है, आगरे का, आगरा का। हाँ, उसको बुलाया और उसके उस पर लड़की पे मतलब जो फोन कराया, मतलब उसके भाइयों ने उसके बाप ने उसका मर्डर कर दिया जी। हम कार्रवाई चाहते हैं। सिंह नाम है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास में प्रमुख समाजसेवी बिहारी लाल वशिष्ठ को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं वृंदावन में गोपाल खार ने में श्रीमद् भागवत मंदिर में सभी सनातनी हिंदुओं की एक बैठक हुई और उस बैठक में राष्ट्रीय संरक्षक के नेतृत्व में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि बिहारी लाल वशिष्ठ समाजसेवी और सनातन हिंदू हैं, इनके जुड़ने से सभी सनातन हिंदू जुड़ जाएंगे और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से ईदगाह मस्जिद को हटाने वाली लड़ाई में भी बहुत बड़ी शक्ति मिलेगी। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की वृंदावन में एक बैठक हुई, उसमें सर्वसम्मति से आदरणीय बिहारी लाल वशिष्ठ जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है वशिष्ठ जी के जुड़ने से, और मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से जो ईदगाह मस्जिद को हटाने का जो केस चल रहा है उसमें बहुत बड़ा बल मिलेगा। इनके जुड़ने से सभी सनातनी हिंदू इकट्ठे होंगे और विचार विमर्श करेंगे कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए जो न्यायालय में लड़ाई चल रही है उस पर गहन मंथन होगा और समस्त हिंदू समाज में बहुत खुशी की लहर है। लगभग 40 वर्षों से सनातन हिंदुओं की सेवा में लगे हुए हैं, इनके जुड़ने से सभी हिंदू बहुत खुश हैं। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष
खबर धार से है, जहां जिले के आखिरी छोर पर बसे सरदार सरोवर बांध से प्रभावित लोगों के बीच धार कलेक्टर ने पहुंचकर डूब प्रभावित लोगों में उनके टूटे मकानों और उनकी हुई क्षति को देखा और कहा कि एसडीएम को आदेश दिया है कि हर संभव सहायता करने की कोशिश करें। खबर मथुरा से है, जहां वृंदावन में ललित कुंज आश्रम पर संत हरिदास के 543वें आविर्भाव महोत्सव के साप्ताहिक कार्यक्रम में रक्तवीर संस्था के सानिध्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं अपर नगर आयुक्त महोदय द्वारा सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र और हेलमेट प्रदान करते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की गई। आज श्री स्वामी हरिदास जी का 543वां आविर्भाव महोत्सव है और बहुत ही आनंद की अनुभूति मुझे इस महोत्सव में हो रही है। मैं इस महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री स्वामी राधा प्रसाद देवजू महाराज और श्री स्वामी मोहनीशरण जी महाराज का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करूँगा, जिन्होंने इतना सुंदर आज कार्यक्रम आयोजित किया है। आज रक्तदान का शिविर लगा हुआ था यहाँ पर रक्तवीर संस्था के द्वारा, तो ये रक्तदान कार्यक्रम हुआ था आज और 7 दिन का ये महोत्सव चल रहा है। बहुत ही सुंदर महोत्सव, इसमें समय समय पर कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं और इसमें प्रतिभा सम्मान का भी एक अच्छा कार्यक्रम रखा गया है। मैं लोगों से यही अपील करूंगा आज इस कार्यक्रम को देखते हुए कि समय समय पर अपना रक्तदान जरूर करा करें, जो जरूरत के वक्त लोगों के बहुत ही काम आएगा। आज श्री स्वामी हरिदास। खबर बांदा से है, जहां विद्युत विभाग की घोर लापरवाही सामने आई। बता दें कि विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने प्रधानमंत्री सुमंगला योजना की धज्जियां उड़ाई। वहीं विभागीय अधिकारियों ने कागजी कोरम पूरा कर बिना विद्युत कनेक्शन के उपभोक्ताओं को विद्युत मीटर पकड़ाए। बता दें कि बिना विद्युत कनेक्शन के उपभोक्ताओं को विद्युत विभाग बिल भेजा जा रहा है, जिसको लेकर पीड़ित ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुँच कर न्याय की गुहार लगाई। क्या समस्या है? हमारे घरों में मीटर रखे हुए हैं 5-5 सालों से, ना अभी तक वहाँ विद्युत खंभे लगे हुए हैं, ना तार लगी हुई है और इनके बिल आ रहे हैं। आपने कनेक्शन लिया था? कनेक्शन लिया था, आधार कार्ड लेके चले गए थे जब 2016 में प्रधानमंत्री के द्वारा फ्री कनेक्शन लगाए जा रहे थे। उस समय क्या था कि आप आधार कार्ड दीजिए, मीटर ले जाइए। अभी इन्होंने ज्ञापन दिया है, जाँच कराई जाए। सर क्या है, क्या कहा इन्होंने? ये मीटर और आधार कार्ड इनसे जो है एक मीटर वितरित किए गए थे और बिजली अभी आपूर्ति नहीं हो पाई है। बिजली लगी नहीं, बिल आ रहे हैं इनके, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि बिजली की आपूर्ति नहीं हुई है और बिल आ रहे हैं। सर किस तरह से कार्रवाई की जाए, क्या करेंगे सर? एक्शन से जांच करा के मन सर कर रहे हैं। क्या समस्या है? नगर से है, जहां एक तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसानों की आय दोगुना करने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारी और ठेकेदार मिलकर किसानों को चूसने का काम कर रहे हैं, जिसके लिए भ्रष्टाचार का जड़ कृषि विभाग बना हुआ है। किसानों की प्रशासन से मांग है कि जांच करवा कर कृषि अधिकारी और ठेकेदार के ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। खोदा गया था, ये पाइप डालने के लिए खोदी गई थी, लेकिन ये 1.5 साल हो गया अभी इसमें न पाइप पड़ा और न आज तक दिखाई दिए। यहाँ ये आरडी पटेल के माध्यम, आरडी पटेल को पैसा निकाल कर दिया गया था 1.5 लाख, उसके बाद तब से आज तक दिखाई नहीं दिए। अब आरडी पटेल इस पाइप के संबंधित थे, अब वो ठेकेदार हैं कि क्या हैं, लेकिन उनको निकाल कर दिया गया, 1.5 लाख रुपया निकाल कर दिया गया। लगभग 1.5 साल हो गया, नहीं कुछ नहीं। अब हम चाह रहे हैं कि हमारी पाइप लगे या जो है वापसी हो। खोदा गया था ये पाइप डालने के। खबर बुकारो से है, जहां दो चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि दोनों अपराधी एक महिला से चैन चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिसिया कार्रवाई में दोनों को गिरफ्तार किया गया। वहीं उनके पास से 3 सोने की चैन और अन्य सामान भी बरामद किया गया। बोकारो नगर क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में चैन छिनताई के मामले हो रहे थे, जिसमें महिलाएं मार्केट या किसी अन्य कार से रोड पे जाती थाना प्रभारी टीम बनाकर इसमें छापामारी कर रहे थे और अपराधियों के घर पकड़ और उन्हें चिन्हित करने का प्रयास कर रहे थे।
जिसमें से कई सूत्र और सीसीटीवी के माध्यम से भी कई अपराधी की पहचान की गई है और विगत शुरू में गए हुए जो अपराधी हैं इस प्रकार के घटना करने वाले उन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। उनके भी कहाँ पे हैं और उनकी क्या कर रहे हैं और किस प्रकार से अपराध में संलिप्त हैं उनकी भी धरपकड़ में हम लोग लगातार लगे हुए हैं। इसी आलोक में एक 11 सितंबर को एक केस भी हुआ था जिसमें कि महिला ने शिकायत की थी थाने में कि मेरा जो है चेन छिनताई की गई है, उसमें एक केस दर्ज किया गया। वो टीम के द्वारा एक अच्छा काम किया गया है जिसमें दो अपराधी की गिरफ्तारी की गई है, उनकी सत्यता का भी जाँच कर रहे हैं और जो भी एविडेंस होगा उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे।